तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि केमिस्ट्री है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, जो भी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कॉमन पेपर है। तो चलिए हम लोग इसका पेपर का एनालिसिस करते हैं और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 घंटे का पेपर है और आपको दिख रहा है कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है इसका। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आंसर ऑल द क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है और एक या दो सेंटेंस में इसका आंसर देना है आपको। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये 2016 का पेपर है। तो यहाँ पर हमारे चैनल में लगभग 10 साल का पेपर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप लोग को इससे बहुत हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट। सेकंड आपका है, डिफाइन द टर्म कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। थर्ड आपका है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू ल्यूस एसिड एंड ल्यूस बेसिस, ठीक है। इसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इसका क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला है BF3, सेकंड है Ag प्लस CN माइनस H2O। तो ये आपका है, इसमें आपको बताना है, क्लासिफाई करना है ल्यूस एसिड और ल्यूस बेस। फोर्थ में आपका है, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, गिव रीजन, ठीक है। फिफ्थ आपका है, डिफाइन एलॉय, गिव वन एग्जाम्पल। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन खत्म हो गए जो कि 2 मार्क्स के थे। अब हम पार्ट बी में चलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन आपको इसमें से देना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपको मिलेगा आंसर करने पर। तो चलिए पहला देखते हैं आपको। पहला आपका है, गिव एनी 3 डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसका पार्ट बी है आपका, डिफाइन एटोमिक नंबर एटोमिक मास, विच इज़ द ओनली एटम हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एटोमिक नंबर एंड एटोमिक मास नंबर। तो ये आपको तो पता ही होगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है साइड में, वो आप लोग देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कम्प्लीटली आए, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स सही से नहीं आएगा। और आप लोग पहले से ये डिसाइड कर लें कि क्या क्या अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि एक ए का अटेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ बी का, ऐसा नहीं करना। सेकंड में आपको दिख रहा है, व्हाट आर द नैनो साइज मटेरियल, गिव इन 2 एग्जाम्पल। बी आपका, मेंशन इन 4 अप्लाइंस एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। थर्ड में है आपका ए, डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। सेकेंड है आपका, एक्सप्लेन एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर विथ 1 एग्जाम्पल। और ये सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीट होते क्वेश्चन एज इट इज, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। और अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग एक एक क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट आपका आता रहे डेली डेली, ठीक है। और एनालिसिस भी जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर, नेम द इंडिकेटर यूज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ टिट्रेशन, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। बी में आपका, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.365 ग्राम ऑफ एसिड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 5 का आपका ए आपका दिया हुआ है, मेंशन इन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, व्हाई हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पज, ठीक। 6 आपका है, हाउ कैन टेम्पररी हार्डनेस बी रिमूव बाय क्लार्क प्रोसेस। सेकंड आपका, लिस्ट इन 3 कैरेक्टर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। 7 आपका, गिव एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बी आपका है, गिव द कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयन, रॉट आयन एंड स्टील। पार्ट सी में हम लोग आ जाते हैं। पार्ट सी में आपको क्या करना है, आंसर 1 फुल क्वेश्चन फ्रॉम ईच जॉइंट, ईच फुल क्वेश्चन करी 15। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन बनाना है, कोई भी एक तीनों में से, मतलब हाँ इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है, ये वाला 3 का ABCD या फिर 4 का, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसमें से कोई भी आपको एक टोटल बनाना है। तो पहला आपका दिख रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को पहले देख लीजिए कि हम लोग को सारा आ रहा है कि नहीं, फिर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। तो आपका दिया गया है, लिस्ट इन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट, गिव 1 एग्जांपल फ्रॉम ईच।
सी में आपका है एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट विद वन एग्जांपल फॉर ईच. व्हाट इज मीन बाय कार्बन नैनो ट्यूब है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब. तो ये आपका हो गया थर्ड का ए बी सी डी. इसमें ये आप पूरा बनाइए या फिर आपके पास ऑप्शन और दिया गया है फोर्थ. फोर में आपका क्या है, एक्सप्लेन लेजर एब्लेशन मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स. तो कार्बन नैनो ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी दिख रहा है आपको. डिस्टिंग बिटवीन होमोजेनस एंड हेटरोजेनस कैटलिस्ट, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच, मेंशन इन फोर एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, नेम थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाट इज चार्ज कैरीज बाय ईच ऑफ देम. ये हम लोग का फोर कंप्लीट हो गया. अब हम फिफ्थ में चलते हैं यूनिट टू. ठीक है, ये दोनों में से थ्री और फोर में से कोई एक आपको बनाना है. अब यूनिट टू में आपको ये फाइव दिख रहा है और सिक्स, ये दोनों में से कोई एक बनाना है. यहाँ पर डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूजिंग अरहेनियस एंड लुईस कॉन्सेप्ट. 24 ml ऑफ, यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है बी में, आप लोग इसको देखिए. थर्ड आपका दिया है राइट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ पीएच. डी आपका दिया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर गिव मैथमेटिकल स्टेट में, व्हाट इज इज वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये आपका फाइव हो गया. अब सिक्स, तो यहाँ पर आपका सिक्स में आ गया है डिफाइन इक्विवेलेंट वेट. तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर रीड करने से क्वेश्चन लंबा हो रहा है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसीलिए. तो आप लोग इसको देखिए, मैं 5 सेकंड तक ये पेज यहाँ पर रखूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चल जाऊँगा. तो सिक्स में आपका ए बी सी डी आप लोग दिख रहा है, ये आपका सिक्स का है. तो फाइव और सिक्स में से कोई एक आप लोग बनाइएगा. अब हम लोग चलते हैं यूनिट थ्री में. यूनिट थ्री में आपका दिख रहा है सेवन, सेवन और एट में से कोई एक आपको बनाना है. तो पहले सेवन देख लीजिए. और एक बात बता दूँ आपको, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ध्यान से इसको बनाइएगा. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका साइड में दिया गया है, राइट हैंड साइड पे आप लोग इसको देख सकते हैं. और में आपका दिया गया एट. अब इसको या फिर उसको आप लोगों को बनाना है. चलिए ये हो गया. अब हम लोग चलते हैं यूनिट फोर. यूनिट फोर में आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है. नाइन में भी सीडी दिया गया है, सेम उसी तरह दिया गया है आपका. तो नाइन और टेन दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है, यह बात आपको ध्यान रखना है. तो टेन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. तो इसमें आपको दिख रहा है डिफाइन पाउडर मेटलर्जी, मेंशन द स्टेप इन्वॉल्व इन पाउडर मेटलर्जी, लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ पाउडर मेटलर्जी. ठीक है, मेंशन फॉर यूजेज ऑफ पाउडर मेटलर्जी. वाओ, गिव एनी कंपैरिजन ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ देयर थ्री फिजिकल. तो ये रहा क्वेश्चन पेपर पूरा आपका. और दिया गया उसमें से आपको चूज करने का मौका मिल रहा है. तो सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट करना. तो ये हमारा पेपर यहाँ पर खत्म होता है. और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे. इसके लिए आपको टेंशन ना लें, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे ब्रांच सारे सेमेस्टर के पेपर वहाँ पर अवेलेबल है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.